बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? क्या हाल है आप लोगों का? आज मैं बना रही हूँ अंडा ग्रेवी, जो कि खाने में बहुत मज़ेदार होता है। मैं इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही हूँ आप देखें। मैंने अंडे लिए, आटा दस को बॉईल कर लिया है। 1 टीस्पून हम पिसी हुई धनिया पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे, कश्मीरी मिर्च लेंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला लेंगे पिसा हुआ 1/2 टीस्पून, नमक हसबे ज़ायका जाएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट हम लेंगे 1.5 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 टीस्पून, एक चुटकी हम मेथी दाना डालेंगे इसमें, 1 पाव दही लिए मैंने इसमें, तेल जाएगा इसमें 1/2 कप, 2 अदद प्याज ली है, गार्निश के लिए मैंने इसमें हरा धनिया लिया है। आइए हम इसको अब बनाते हैं। कढ़ाई लेंगे, उसमें हम ऑयल डालेंगे। अब इसमें हम अंडों को फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने बॉयल अंडे लिए थे, इसमें डाल दिया है। अंडों को हम गोल्डन फ्राई करेंगे, इस पर खूबसूरत सा कलर आ जाए। 5 मिनट लगेंगे हमारे अंडों को फ्राई होने में। ये देखिए हमारे अंडे फ्राई हो चुके हैं, हम इसको निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने तमाम अंडे निकाल लिए हैं। अब इसी ऑयल में मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज को हम इतनी देर फ्राई करेंगे कि हमारी प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो जाए। 5 से 10 मिनट लगेंगे हमारी प्याज को फ्राई होने में। आँच जो दरमियानी रखनी है। ये देखें 10 मिनट हो गए हमारी प्याज को फ्राई होने में। मैं तमाम प्याज निकाल लूँगी टिश्यू पेपर पे और इसको मैं पीस लूँगी। अब इसी ऑयल में हम मेथी दाना डाल देंगे 1 चुटकी। इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। ये देखिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसको अब फ्राई करूंगी 1 मिनट तक, ताकि हमारे लहसुन अदरक की स्मेल चली जाए। इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं, कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, हल्दी पाउडर डाल दिया है, पिसी हुई मिर्चें डाल दी हैं और धनिया पाउडर डाल दिया है और नमक शामिल कर देंगे। तमाम मसालों को मिक्स करेंगे। 1 पाव दलिया था मैंने इसको फेंट लिया है, अब वो शामिल कर देंगे इसमें हम। दही डाल के अब तमाम मसालों को दही में मिक्स करेंगे। फ्राई की हुई मैंने प्याज रखी हुई है। अब जो मैंने प्याज जो तली थी उसको मैंने पीस लिया है, वो शामिल कर देंगे। अब इस मसाले को इतना भूनेंगे कि हमारा मसाला जो है भुन जाए अच्छी तरह और ऑयल ऊपर आ जाए। 10 मिनट लगेंगे हमारे मसाले को भुनने में। देखिए मैंने ढक दिया था, 10 मिनट हो गए हैं हमारे मसालों को भुनते हुए। ये देखिए कितनी अच्छी तरह भुन गया हमारा, ऑयल ऊपर आ गया है, मसाला भी अच्छी तरह भुन गया है। मैं ग्रेवी के लिए इसमें पानी डालूँगी। मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाला है। आप अपनी मर्ज़ी से पानी डाल सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। अब इसमें मैंने जो फ्राई अंडे किए थे वो शामिल कर दिए हैं। अब इसको 5 मिनट तक पकाऊंगी हल्की आंच पर। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं और हमारा तैयार है अंडा ग्रेवी। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है।
पे ऊपर से इस पे गरम मसाला शामिल कर दूंगी। और डिश आउट कर लूंगी मैं। आप अपनी मर्ज़ी से ग्रेवी रख सकते हैं। ये देखिए मैंने डिश में निकाल लिया है, ऊपर से मैं हरा धनिया डाल दूंगी। तैयार है हमारा अंडा ग्रेवी। आप भी बनाएं अपने घर में मेरी रेसिपी से और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।